एक्टर चैडविक बोसमन को लोग अभी भी ट्रिब्यूट दे रहे हैं, जिनकी डेथ 43 इयर्स की उम्र में कोलन कैंसर से हो गई। आज हम बात करेंगे उनकी लाइफ के 40 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो बहुत कम लोगों को पता है। उनका जन्म एंडरसन साउथ कैरोलिना में हुआ था। वो कैरोलिन और लीरॉय बोसमन के इकलौते बेटे थे। उनकी मॉम एक नर्स थी, वहीं उनके डैड एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करते थे और साथ ही साथ उनका अपहोल्स्ट्री बिजनेस भी था। चैडविक बोसमन एक ह्यूज फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उनके ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी तो वो अपने पीछे 115 ग्रैंड चिल्ड्रंस छोड़ गई थी। वो अपने एंसेस्टर्स के बारे में भी जानना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक डीएनए टेस्ट भी करवाया था। उनका पूरा नाम था चैडविक एरन बोसमन। जब वो अपने रोल टिचला के रिसर्च के लिए केप टाउन गए थे तो एक स्ट्रीट म्यूजिशियन ने उन्हें होसा नेम सॉलिसी दिया था। उन्होंने थोड़ी बहुत होसा लैंग्वेज भी सीखी थी। चैडविक हाई स्कूल से ही थिएटर में काम करते थे। उनकी पहली प्ले थी क्रॉस रोड्स, जिसे उन्होंने लिखा था और उसमें एक्ट भी किया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डायरेक्शन में बैचलर्स डिग्री लेने के बाद उन्होंने जू मैन एंड द साइन नाम के एक प्ले में भी काम किया था, जिसे पुलित्जर अवार्ड विनिंग चार्ल्स फुलर ने लिखा था। उस वक्त उनकी उम्र बस 23 ईयर्स ही थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्होंने ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के समर थिएटर कोर्स में भी एक स्लॉट अर्न किया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनके प्रोफेसर एक्ट्रेस फिलिशिया राशिद ने अपने सेलिब्रिटी फ्रेंड्स की हेल्प से उनकी फ़ीस पे की थी। एक्टर डेंजल वॉशिंगटन ने ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी फ़ीस पे की थी। इसके बाद उन्होंने स्कमबर्ग सेंटर फॉर रिसर्च में भी एक्टिंग टीचर की नौकरी की थी और शोज में छोटे मोटे रोल करके सालों बिता दिया था। बोसमन ने न्यूयॉर्क डिजिटल एकेडमी से भी डिग्री हासिल की थी और उन्होंने 2008 से अपनी सीरियस एक्टिंग करियर की शुरुआत की। उन्हें बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी थी। वह बेसबॉल के साथ बास्केटबॉल भी खेलते थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, बास्केटबॉल मेरी पहली पसंद है, मैं हमेशा से एक एथलीट रहा हूँ और अब भी एथलेटिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता हूँ। कुछ सालों तक टीवी में काम करने के बाद उन्हें 2013 के क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवी 42 में लीडिंग रोल करने का मौका मिला और इसके बाद ही उन्हें फेम मिली। इस मूवी में बोसमन ने बेसबॉल लेजेंड जैकी रॉबिन्सन का रोल निभाया था और इसके लिए उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले थे। 2014 में गेट ऑन अप मूवी में उन्होंने जेम्स ब्राउन का रोल निभाया था और इसके बाद उन्होंने मार्शल मूवी में थगवुड मार्शल का रोल निभाया था। गेट ऑन अप मूवी के लिए वो हर दिन 5 से 8 घंटे ट्रेनिंग लेते थे। वो अपने रोल के लिए इतनी मेहनत करते थे कि वो रेयरली ही अपने को-स्टार्स के साथ डिनर पे बाहर जा पाते थे। लोगों को अजीब लगता था जब चैड उनके साथ मौजूद होते थे। ही वॉज ऑल्सो अमेजिंग बिहाइंड द कैमरा। एक्टिंग करने से पहले हेवन और ब्लड ओवर ए ब्रोकन पॉन को उन्होंने डायरेक्ट भी किया था। 42 मूवी के लिए जैकी रॉबिन्सन का ऑडिशन देने से पहले वो एक प्ले डायरेक्ट कर रहे थे। वो उस समय एक्टिंग छोड़ने और फुल टाइम डायरेक्शन में करियर बनाने के बारे में सोच रहे थे। 42 मूवी में जैकी रॉबिन्सन के रोल के लिए 25 डिफरेंट एक्टर्स को कंसिडर किया गया था, पर डायरेक्टर ब्रायन को बॉसमैन की ब्रेवरी पसंद आई और उन्हें 2 बार ऑडिशन देने के बाद मूवी में कास्ट कर लिया गया था। 2013 में बोसमन ने इंडी फिल्म द किल होल में भी एक्टिंग की थी, जो कि 42 मूवी के कुछ वीक्स पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी। उन्होंने किंग ऑफ वकांडा के रोल के लिए ऑडिशन नहीं दिया था। जब मार्वल सुपर हीरो के प्रेसिडेंट बोसमन से मिले तो उन्हें इस बात पर कोई डाउट नहीं था कि चैडविक किंग ऑफ वकांडा के रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। बस 24 घंटे के अंदर ही उन्हें ये रोल ऑफर की गई और उन्होंने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया था। वर्ल्ड वाइड मूवी ने $1.3 बिलियन का बिजनेस किया और ये मूवी ऑस्कर बेस्ट पिक्चर अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली कॉमिक बुक बेस्ड मूवी बन गई। इस मूवी के लिए बोसमन ने खुद ही वकांडन एक्सेंट डेवलप किया था। जॉन कानी, जो कि मूवी में उनके फादर का रोल करते हैं, उन्होंने बोसमन को वकांडन लैंग्वेज सिखाया था, जो कि होसा लैंग्वेज पे बेस्ड है। 2018 के एक इंटरव्यू में बोसमन ने बताया था कि पैंथर मूवी में वकांडन एक्सेंट के यूज़ किए जाने पर उनके और मार्वल के प्रोडक्शन टीम के बीच डिसएग्रीमेंट हो गई थी।
उन्होंने कहा कि मार्वल को इनिशियली लगा था कि इस तरह के एक्सेंट में बात करना ऑडियंस के लिए कुछ ज्यादा हो जाएगा। चैडविक बोसमैन के किंग ऑफ वकांडा का रोल भले ही सबसे आइकॉनिक रहेगा, पर उनके सबसे क्रिटिकली अक्लेम्ड रोल है जेम्स ब्राउन की, जो उन्होंने गेट ऑन अप मूवी में निभाई थी। मूवी के फिल्मिंग के दौरान बैक स्टेज भी वह जेम्स ब्राउन के किरदार में ही रहे थे। जेम्स ब्राउन की बेटियों ने उनके डैड के मैनरिज्म्स और डांस रूटीन्स की मास्टरी करने पर बोसमैन को प्रेज भी किया था। उन्होंने कहा कि चैडविक के स्प्लिट स्पॉट ऑन थे और उन्हें बस इसके लिए ही ऑस्कर मिल जाना चाहिए था। उनकी डॉटर डियान ब्राउन ने कहा कि वो सीन जब चैडविक हॉलवे से नीचे जाते हैं और लोग उनका नाम चिल्ला रहे हैं एंड विद दैट रेड सूट ऑन, वो बिल्कुल मेरे डैड जैसे लग रहे थे। मूवी के डायरेक्टर टेड टेलर एक मोमेंट को शेयर करते हुए लिखते हैं कि बोसमैन फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर के पास गए, pulled her into his arms and said, "Hey pretty lady, Mr. Brown needs a sandwich." Then gave a gentle kiss on her cheek. Eddie ने उनकी तरफ देखा and begged him to never leave her. Ted Taylor ने ये भी बताया कि मूवी के स्टार्टिंग में वो कई टेक्स लेते थे क्योंकि वो एक कैरेक्टर को अलग अलग वे में इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, पर बजट इश्यूज की वजह से टेलर ने उन्हें एक रेड कार्ड दिया था जिसका यूज करके वो हर दिन एक सीन रिक्वेस्ट कर सकते थे और उस सीन की जितनी मर्जी उतनी टेक्स ले सकते थे। टिचल्ला के पोर्ट्रेयल के लिए वो 7 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए थे, जिनमें से 4 अवार्ड्स वो जीत गए थे। उन्होंने 2 एमटीवी अवार्ड्स, एक पीपल्स चॉइस अवार्ड और एक गिल्ड अवार्ड जीता था। दूसरे बच्चों की तरह चैडविक बोसमैन को कॉमिक्स पढ़ने का कोई शौक नहीं था, पर जैसे ही उन्हें टिचल्ला का रोल मिला वो ज्यादा से ज्यादा कॉमिक्स बुक पढ़ने लगे ताकि वो अपने कैरेक्टर और उसकी बैक स्टोरी के बारे में जान सकें। उन्हें मूवी के स्टार्टिंग में अपना सूट पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि सूट बहुत ही सफोकेटिंग था, वो सूट आप तक हवा पहुंचने की हर पॉसिबिलिटी को बंद कर देता है। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ बहुत ही प्राइवेट रखी थी, उन्हें अपनी प्राइवेसी का इतना ख्याल था कि उनकी मेडिकल कंडीशन के बारे में पब्लिकली पता नहीं था। एक बार उन्हें किसी ने उनके लव लाइफ के बारे में पूछ लिया था और उन्होंने जवाब दिया था कि किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, वह अपने पर्सनल लाइफ से नहीं बल्कि उनके द्वारा निभाए गए रोल्स के थ्रू जाने जाना चाहते थे। बोसमैन ने अपनी डेथ से पहले अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड टेलर सीमन लेडवर से शादी कर ली थी। उन्होंने इसके डिटेल्स मीडिया के साथ कभी भी शेयर नहीं किए थे। बोसमैन और टेलर को पहली बार 2015 में लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। दोनों के एंगेजमेंट की खबरें अक्टूबर 2019 को सरफेस होने लगी, पर उन्होंने कभी इसे पब्लिकली कंफर्म नहीं किया। कानी ने बोसमैन को ट्रिब्यूट देते हुए कहा कि वो हमेशा बहुत अर्जेंसी में रहते थे, ऐसा लगता था जैसे भगवान उन्हें सिग्नल दे रहे हों कि उनके पास बहुत कम टाइम है। 2016 में जब उन्हें कोलन कैंसर के बारे में पता चला तो उसके बाद भी उन्होंने 10 फिल्मों में काम किया था। उन्होंने 21 ब्रिजेस और द 5 ब्लड जैसी मूवीज में छोटे मोटे रोल्स किए थे। अपनी लास्ट मूवी मरेनिस बॉटम में वो एक हॉट टेम्पर ट्रम्पेट प्लेयर लीव ग्रीन का रोल निभाते हुए नजर आएंगे। ये मूवी अभी रिलीज नहीं हुई है। वो एक सामुराई यासुके का रोल भी प्ले करने वाले थे। बोसमैन की डेथ के बाद पहले से वायरल हुई वीडियो फिर से वायरल हो रही है। 2018 में ये वीडियो मीम की तरह वायरल हो रही थी, पर अब ये एज अ ट्रिब्यूट वायरल हो रही है। इस वीडियो में गर्ल्स और बॉयज़ का एक ग्रुप है जो टेबल पर डांस करने लगता है ये जानने के बाद कि वो पैंथर मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग में जाने वाले हैं। ऑनलाइन लोग बोसमैन के साथ अपनी मेमोरीज को शेयर कर रहे हैं। एक शख्स ने लिखा है कि मैं चैडविक से उस वक्त मिला जब मैं सैमुअल फ्रेंच फिल्म एंड थिएटर बुकशॉप में काम करता था। वो अपने लिए कुछ नए प्लेस ढूंढ रहे थे। इसी बीच 20 साल का एक लड़का उनके पास गया और उनसे बातें करने लगा। 30 मिनट्स तक दोनों बातें करते रहे। चैडविक उस लड़के को इंडस्ट्री के बारे में एडवाइस दे रहे थे। इसके बाद चैडविक काउंटर पे आते हैं और अपने लिए कुछ नए प्लेस खरीदते हैं और उस लड़के के लिए भी कई बुक्स खरीदते हैं। उन्होंने मुझे उन बुक्स को उस लड़के को देने को कहा। चैडविक बोसमैन वकांडा के राजा थे, जेम्स ब्राउन और जैकी रॉबिन्सन भी थे, पर इन सबसे पहले वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। चैडविक बोसमैन की एक पुरानी इंटरव्यू भी वायरल हो रही है। इस इंटरव्यू में रिपोर्टर चैडविक से पूछते हैं कि चैडविक आपने मार्वल मूवी के लिए अपना वजन बढ़ाया, फिर मार्शल मूवी के लिए वजन घटाया और फिर मार्वल मूवी के लिए वजन बढ़ाया। इस पर एग्जॉस्टेड चैडविक ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल,
इसके बाद उन्होंने कहा कि आपको पता भी नहीं है मैं किस दौर से गुजरा हूँ, एक दिन ये कहानी सुनाने के लिए मैं ज़रूर ज़िंदा रहूँगा। शायद वो अपने कैंसर के बारे में हिंट दे रहे थे। बोसमन के द फाइव ब्लड्स मूवी के डायरेक्टर स्पाइक ली ने बोसमन को ट्रिब्यूट देते हुए माइकल जैक्सन के सॉन्ग गॉन टू सून पे एक परफॉर्मेंस दी। वो कहते हैं कि द फाइव ब्लड मूवी की शूटिंग हमने थाईलैंड में की थी, वहाँ बहुत गर्मी थी, जंगल्स माउंटेन्स हर जगह चैडविक हमारे साथ मौजूद थे, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उनके साथ कुछ गलत था। एक सोल्जर की तरह उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, वो हर एक पल में वहाँ मौजूद थे। उनकी परफॉर्मेंस इस बात का सबूत है कि वो अपने हर एक रोल के लिए कितने डेडिकेटेड थे। ट्विटर ने ये कंफर्म किया कि वो ट्वीट जिसमें बोसमन की टीम ने उनके डेथ की अनाउंसमेंट की है, वो ट्विटर की अब तक की मोस्ट लाइक ट्वीट बन चुकी है। करंटली इस ट्वीट पे 7.7 मिलियन लाइक्स और 3.1 मिलियन रीट्वीट्स हैं। यूथ चैनल MTV ने अपने वीडियो म्यूजिक अवार्ड शो को चैडविक बोसमन को डेडिकेट किया। होस्ट पामर ने बोसमन को एड्रेस करते हुए ये कहा कि वो एक ऐसे एक्टर थे जिनका टैलेंट और पैशन उनके फैंस और उन सभी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गया जिनसे वो कभी न कभी मिले थे। VMA अवार्ड शो ने बोसमन की अपने किंग ऑफ वकांडा रोल के लिए MTV अवार्ड्स एक्सेप्ट करते हुए वीडियोस भी चलाएं। साथ ही साथ एक स्क्रीन भी डिस्प्ले किया जिसमें रेस्ट इन पावर लिखा था। मिशेल ओबामा ने भी चैडविक बोसमन के बारे में स्टोरी शेयर करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर लिखा कि मैं चैडविक की 42 मूवी को हमेशा याद रखूंगी। उस दिन बराक और मैं व्हाइट हाउस में अकेले थे, मुझे उस बैरियर ब्रेकिंग मूवी की इमोशन और रॉनेस ने काफ़ी मूव किया। और थोड़े दिन बाद जब स्टेट डाइनिंग रूम में वो यंग लोगों से मिलने आए तो मैंने देखा कि चैडविक की ऑन स्क्रीन ब्रिलियंस उनके ऑफ स्क्रीन वार्म्थ और सिंसियरिटी से मेल खाती है। एज अ प्ले राइटर दीप अजूर के लिए लिखी गई उनकी स्क्रिप्ट जिसे कि कॉन्गो स्क्वायर थिएटर कंपनी शिकागो में परफॉर्म किया गया था, उसे न्यूयॉर्क में 200 जोसेफ जेफरसन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। वो जिमी हेंड्रिक्स का रोल प्ले करना चाहते थे। हेंड्रिक्स को वो इंटरेस्टिंग, टैलेंटेड और इंस्पिरेशनल मानते थे, लेकिन उनके डेथ तक ऐसी किसी भी मूवी के प्लान्स नहीं बन पाए थे।